लोकप्रिय अलोली छठ घाट अपने अस्तित्व पर आंसू बहाने को है विवश। किसी उदाहरण का है तलाश, उक्त संवेदनशील घाट के प्रति समय रहते युवा वर्ग, प्रशासन और प्रतिनिधि को सजग होने की है सख्त जरूरत, अन्यथा दुर्घटना होने की है प्रबल संभावना। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष फरकिया मिशन के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने छठ घाट की सर जमीनी जायजा लेकर स्थिति का अवलोकन करने के बाद प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अलोली ब्लॉक चौक निकट छठ घाट की साफ सफाई करने, बांध के कटाव को दुरुस्त कर घाट को पूजा करने लायक बनाने, जलकुंभी हटाने, गंदगी युक्त पानी को ब्लीचिंग पाउडर डालकर सफाई करने, गहरे पानी एवं कटाव स्थल घाट के सुरक्षा व बैरिकेडिंग का व्यवस्था करने की मांग जिला एवं प्रखंड प्रशासन व प्रतिनिधि से किया है। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं किरण देव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के खगड़िया जिला अध्यक्ष। अभी हम लाइव हैं अलौली ब्लॉक के निकट छठ घाट के निकट, जिस जगह छठ व्रती छठ पूजा में अर्घ देते हैं, और यहां आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इस जगह पूरा का पूरा बांध ये टूट चुका है, कटाव हो चुका है, और इस कटाव होने की स्थिति में यहाँ जो छठ व्रती हैं छठ पूजा कैसे करेंगे, यह एक से यक्ष प्रश्न सवाल है उत्पन्न होता है। इसलिए हम जिला प्रशासन से, प्रखंड प्रशासन से मांग करते हैं कि छठ पूजा करने के लिए इस जगह पर जो ये कटा हुआ है, मिट्टी भराई करके सीढ़ी नुमा घाट बनाई जाए, ताकि और पानी के जो गंदगियां हैं, ये जो जलकुंभी है, इसको साफ सफाई किया जाए, क्योंकि बहुत जल्द ही ये छठ पूजा निकट है और यहाँ पूजा किया जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से और प्रखंड प्रशासन से कि इस घाट की साफ सफाई किया जाए और यह जो बांध का कटिंग हो चुका है, इसको दुरुस्त किया जाए।